जब मैं 15 साल का था तब मैं भी एक एवरेज किड था। मुझे अट्रैक्टिव बनना था एंड मुझे एक लाइकेबल पर्सन बनना था। तो मैंने अपने लुक्स को इम्प्रूव किया एंड मैं अट्रैक्टिव बना। बट क्या मैं एक लाइकेबल गाय बना? आंसर इज नो। लुक्स होने से तुम अट्रैक्टिव बनते हो बट एक अच्छी पर्सनैलिटी होने से तुम्हें बहुत एडवांटेजेस मिलते हैं। नंबर वन, चैट टैग की एडवाइस। ये क्लिप है चैट टैग के वीडियो के, तो तुम इसे ध्यान से सुनो। सब के सब हैंडसम एक्सट्रीमली गुड लुकिंग टॉल पीपल के पीछे भागते हैं, इवन पर्सनैलिटी में भी। तो तुम सब के सब जो कहते हो पर्सनैलिटी मैटर ज्यादा करती है, लुक्स नहीं करती, भाई तुम भी उनकी पर्सनैलिटी की बात कर रहे हो जो फायर द फर्स्ट प्लेस हैंडसम थे। एंड यही एक जीवन का तथ्य है। वाह, हुई थोड़ी खुद पर हैरानी कि आप हमेशा ढोल बजाते रहते हो लुक्स डजंट मैटर पर्सनैलिटी मैटर्स मोर, एट द सेम टाइम आपको जिनकी पर्सनैलिटी पसंद है वो लोग तो हैंडसम है। चैट टैग ने जो बात बोली है वो 100% सही है, क्योंकि जब कोई भी किसी को पहली बार देखता है तो सबसे पहले उसका ध्यान तुम्हारे फेस पर जाता है एंड वो उससे देख के जज करता है, थिंक करता है तुम्हारे बारे में। मेरे पास एक बहुत अच्छा कंपैरिजन, एक वीडियो है जहाँ पे जॉन अब्राहम अपने फैन को धक्का दे देते हैं सर पे हाथ मार के, एंड दूसरा वीडियो है जहाँ पे अरिजीत सिंह अपने फैंस को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है। अगर हम ध्यान से देखें, जॉन अब्राहम की अच्छी बॉडी है, अच्छी जॉलाइन है, अच्छे लुक्स है एंड बहुत बढ़िया वो दिखते हैं लुक्स वाइज। बट यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि लोग अरिजीत के ज्यादा फैन हो चुके हैं जॉन अब्राहम के नहीं? यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टी ये है कि अरिजीत सिंह की पर्सनैलिटी लोगों को ज्यादा अच्छी लगती है, काइंड लगती है, हम्बल लगती है, अदरवाइज जॉन अब्राहम की पर्सनैलिटी लोगों को सही नहीं लगती। लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बट अगर तुम्हारा कैरेक्टर एंड तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी रहती है एज पर द वर्ल्ड, तो वो तुम्हें लाइकेबल पर्सन बनाएगा एंड वो तुम्हें बहुत ज्यादा एडवांटेजेस देगा जो तुम्हें लुक्स होने से नहीं मिलता। लुक्स को मैक्स करने के बाद क्या स्टेप आता है? लुक्स को मैक्स करने के बाद जब भी तुम किसी पर्सन के साथ मिलने जाओगे एंड जब तुम कनेक्शन बिल्ड करने जाओगे तो लुक्स तुम्हें सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे इंप्रेशन बिल्ड करने के लिए कि तुम कैसे हो, तुम खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो। बट लॉन्ग टर्म में अगर तुम्हें उनके साथ फ्रेंडशिप रखनी है, उनके साथ बिजनेस करना है, तो तुम्हारी किस टाइप की पर्सनालिटी है वो पूरा गेम चेंज करती है। तुमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो भले ही डिसेंट दिखते होंगे बट ड्यू टू देयर गुड पर्सनैलिटी, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, उन्हें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, उनके काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स रहते हैं। देखो, पर्सनैलिटी में तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स, तुम्हारी सोशल स्किल्स, तुम किस तरीके से आगे वाले पर्सन को अंडरस्टैंड करते हो एंड तुम कैसे कन्वर्सेशन फॉर्म करते हो, क्या आगे वाला पर्सन तुम्हारे साथ कंफर्टेबल रहता है, ये सारी चीज़ें आती है। लुक्स बेटर करने से कुछ नहीं होता। सबके अंदर एक इंटरनल पर्सनैलिटी होती है जो मैं मानता हूँ कि अच्छी चीज़ होती है एंड अच्छी बात है, बट उस चीज़ को, उस पर्सनैलिटी को थोड़ा सा हमें क्राफ्ट करना पड़ता है ताकि इस रियल वर्ल्ड में वो और ज़्यादा निखर के आए। तुम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि लुक्स बेटर होने की वजह से हम हमारी पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव कर लेंगे, नहीं, उसको प्रैक्टिस लगती है, उसको रियल वर्ल्ड में तुमको नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी जो मैंने तुम्हें बताई है, एंड देन लुक्स के साथ एक अच्छी पर्सनैलिटी मैच कर पाएगी। सो लुक्स 100% सही चीज़ नहीं है, ये दोनों 50-50 रोल प्ले करते हैं तुम्हें एक बेटर पर्सन बनाने के लिए। जब तुम अपनी पर्सनैलिटी को बेटर करने जाओगे तो तुम्हें ये मिस्टेक नहीं करनी है। नंबर 3, एक्टिंग। मूवीज देखने के बाद तुम्हें कुछ कुछ कैरेक्टर्स पसंद आ जाता है जैसे एनिमल, कबीर सिंह, एंड तुम उनकी तरह एक्टिंग करने लग जाते हो, उसे हम इमिटिंग कहते हैं, हम दूसरे की तरह कॉपी करने लगते हैं। या तुम एक चीज इमेजिन करो, तुम्हें कोई लड़की पसंद करती है एंड तुम बहुत अच्छे से साथ में रहते हो, वो तुम्हारे लुक से बहुत अट्रैक्टेड थी, बट जब तुम किसी दिन सो के उठते हो एंड उसने तुम्हें देख लिया कि तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं, तुम्हारी आंखें छोटी छोटी सी हैं, तुम्हारे मुंह से सलाइवा ऐसे चिपका हुआ है, तो क्या वो तुम्हें हेट करने लग जाएंगी हमेशा के लिए? नहीं, क्योंकि लुक्स ही सब कुछ नहीं होता है, उसको पता है कि तुम कैसे पर्सन हो, शायद तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, तुम अच्छे से उसे ट्रीट करते हो। अगर तुम्हें खुद की रियल वर्ल्ड में हर रोज़ लोगों से तुम्हें अच्छे से इंटरेक्शन करना है, तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पसंद करें, तो वहाँ पे पर्सनैलिटी हेल्प करेगी, वो लड़की तुम्हें हेट नहीं करेगी, वो लड़की को पता है तुम सो के उठे हो बट तुम अच्छे पर्सन हो इसलिए वो तुम्हारे साथ है। तो पर्सनैलिटी को अगर तुम कॉपी नहीं करते हो किसी के बट तुम खुद को समझते हो, जब तुम खुद की ह्यूमर को बाहर लाते हो, जब तुम खुद की पर्सनैलिटी को शो अप करोगे एंड उसे इम्प्रूव करोगे, तो तुम बहुत बेटर पर्सन बन पाओगे। कभी भी इमिटेटिंग मत करना, ट्राई करना कि तुम खुद कैसे पर्सन हो, तुम्हें किस टाइप के जोक पसंद है, तुम किस टाइप की हॉबीज पसंद है, वो रियल पर्सनैलिटी जब तुम शो करोगे तो वो ऑथेंटिसिटी क्रिएट करेगा जो तुम्हें सबसे अलग कर दे। द बेस्ट एग्जाम्पल नंबर 4, मैं पीटर पार्कर जरूर बताऊंगा। पीटर पार्कर बहुत सिंपल लड़का था, नर्ड लड़का था, जो बहुत स्टूडियस लड़का था, बट स्पाइडरमैन 3 मूवी में उसके ऊपर जब डार्क वेब चल जाता है उसकी पर्सनैलिटी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। वो सेम पीटर पार्कर रहता है, उसकी हेयर स्टाइल थोड़ी सी बदल जाती है, उसकी आंखों के नीचे थोड़ा सा ब्लैकिश सा टोन आ जाता है, एंड जिस तरीके से वो बात करता है, जो कॉन्फिडेंस वो शो करता है, जो डार्क पर्सनैलिटी उसकी आती है, 2 मूवीज में जितने लड़कियां उसने अट्रैक्ट नहीं की थी, उसने एक ही मूवी में एक पर्सनैलिटी ट्रेड शिफ्ट करने के बाद उसके पास लड़कियां आ गई थी।
थी, क्या उसकी बहुत बेटर जॉलाइन बन गई थी, क्या उसके पास बहुत मसल्स आ गए थे, क्या उसकी आंखें और छोटी हो गई थी, क्या वो और फेयर लगने लग गया था? नहीं, उसकी सिर्फ पर्सनैलिटी चेंज हो गई थी जो लोगों की अटेंशन खींच रहा था, एंड दैट मेक हिम लाइक अ गुड गाय. एंड इंटरनेट पे बुली महागुरी जो डार्क स्पाइडरमैन होता है उसे कहते हैं, वो बहुत ज्यादा ट्रेंड करता है क्योंकि एवरीवन लाइक दैट सैवेज पर्सनैलिटी. सो देखा जाए लुक्स 50% एंड पर्सनैलिटी 50% रोल प्ले करती है. सबसे पहले लुक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन में हम लुक्स देखते हैं. नंबर टू हम पर्सनैलिटी चेक करते हैं. पर्सनैलिटी में आता है कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स, एक रियल वर्ल्ड में तुम कैसे किसी के साथ बात करते हो, कन्वर्सेशन करते हो, इमोशनल अंडरस्टैंड. एंड अगर तुम्हें इन चीज़ों के बारे में और जानना है तो तुम मेरे ये वीडियोस देख सकते हो, प्लेलिस्ट देख सकते हो. एंड अगर तुम्हें इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो तुम मेरा मैग्नेटिक पर्सनैलिटी इन 2 आवर्स का कोर्स बाय कर सकते हो. इसके अंदर वीडियो कोर्सेस हैं एंड वीकली उस पर अपडेट्स आते हैं. एंड अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुम 24/7 चैट सपोर्ट उसमें दिया है, तो तुम मुझसे कभी बात कर सकते हो. उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है. आगे वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, पीस.